अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग जल्दी से स्टार्ट। अच्छा, आज मैं बहुत लेट जो है ना व्लॉग को स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पर तकरीबन 3:15 बज चुके थे, 2:15 लाइट गई है और टीचर जो है दूसरे रूम से फिर यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि ड्राइंग रूम की जो लाइट है ना वो थोड़ी खराब थी। इस वजह से फिर मैंने कहा चले आप यहाँ पर आ जाए, बेड वाला जो रूम है ना थोड़ा गर्म है इस वजह से। तो ये देखे सालिहा से मैं थोड़ी गपशप लगा रही थी। नेबुलाइज करूँ अब? नहीं, मैं लगाती हूँ। क्यों क्यों नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा हुआ है आपको पता है? क्या कहा था डॉक्टर ने? उन्होंने कहा था सिरप भी पिलाना है, साथ में नेबुलाइज भी करना है। नहीं, तो आप ठीक नहीं ना? मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। कैसे ठीक हो जाओगी? अल्लाह ताला आपको ठीक कर देंगे। हाँ। कैसे? मेडिसन खाओगी तो ठीक होगी ना? हाँ, तो फिर मैं आपको करती हूँ ना वो, लगाती हूँ, फिर आप ठीक हो जाना। नहीं, आप मुझे तंग करोगी? करोगी तंग? नहीं। मेडिसन खाओगी तो फिर ठीक हो जाओगी? डॉक्टर पास जाना है, इंजेक्शन लगवाऊं दोबारा? रिशा आप बताओ इसको मैं नेबुलाइज करूं क्या ना? अच्छा अच्छा, नहीं करती नहीं करती, फिर मुझे तंग नहीं करना। सॉक्स नहीं उतारने, ठीक है? ठीक है। सॉक्स उतारोगी? नहीं। उतारोगी सॉक्स? नहीं। तो वो उससे क्या होता है नेबुलाइज जब मैं करती फिर उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, वो आपका गला ठीक हो जाएगा उससे। अच्छा, जैसा कि आपने ना सालिया की बातें वगैरह सुनी है ना, मैं इसको फिर इसी तरह तंग करती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा तंग करी हो ना तो फिर मैं इसको ऐसे छेड़ती हूँ कि मैं आपको ये करने लगी हूँ, वो करने लगी हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डर रही है, ये कहती मैंने नेबुलाइज नहीं करवाना, लेकिन डॉक्टर ने ना 6-6 घंटे बाद मुझे कहा हुआ है, लेकिन मुझसे 6 घंटे के बजाय ना 8 घंटे हो ही जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी हो गई थी लापरवाह भी थोड़ी सी हो गई थी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर से कल अभी होके आई हूँ, इसकी तरफ ध्यान करती हूँ। तो कोशिश कर रही थी मैं फिर इसको नेबुलाइज करने की, और थोड़ी देर इसने किया, 5 मिनट भी नहीं जो है ना वो लगवाती है, और बाद में फिर सारा कुछ कहती है बंद कर दो फौरन से, मामा इसको बंद करो। फिर मुझे बंद करना पड़ा और मैंने कहा चले रात को फिर दोबारा से इसको नेबुलाइज करूंगी। मेडिसिन देने के फौरन बाद डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपने लाजमी करना ताकि इसका जो गला है ना वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए। और गले की वजह से भी तो बुखार वगैरह चढ़ते हैं ना, लेकिन इसका थोड़ा और प्रॉब्लम था, गर्मी इसको इतनी ज्यादा हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है ना अब 4:30 बजे का टाइम हो रहा था और देखे थोड़ी सी गैस, मैंने जैसे ही कोशिश की है ना, मैं कह रही थी आ जाएगी इसी तरह, मैं बच्चों के लिए थोड़ा सूप बना लूँ। मेरा अपना भी बहुत ज्यादा दिल रहा था, लेकिन इस दफा ना मैं कोई वेजिटेबल बीच में नहीं डालने लगी थी, सिंपल सा मुझे ये डाउट था कि गैस कहीं चली ना जाए और चूल्हा जो है ना फिर से बंद ना हो जाए। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी जो 10 मिनट में तैयार हो जाए ना उसको तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मजेदार सा जो है ना सूप, सिंपल सा, कोई इसमें कोई एफिशिएंसी नहीं मैंने मारी, कोई ऐसी चीजें नहीं इसमें डाली, पर सिंपल सी जो इंग्रेडिएंट्स है ना जो घर में पड़े हो इजिली आप बना सकती हैं। मैंने क्या किया है, पानी में थोड़ा चिकन जो होता है उसी के छोटे छोटे पीसेस, मैंने ज्यादा चिकन भी नहीं डाला बल्कि मुझे ये भी ज्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चले वीडियो में फिर रिकॉर्ड होना तो चले मैं थोड़ा ज्यादा डाल देती हूँ। तो ये भी बहुत ज्यादा चिकन हो गया था और सालिया को तो बिल्कुल भी ये नहीं देना था क्योंकि सूप गर्म होता है ना इस वजह से, और उसको ये अरकान में फिर गर्म चीजें सारी मना थी। तो अब मैंने क्या किया है, चाहे जैसे ही चिकन थोड़ा बॉयल हुआ है उसको मैं फिर निकाल रही थी कि इसके थोड़े से छोटे छोटे जो है ना पीसेस कर लूंगी, श्रेड कर लूंगी, उसके बाद फिर इसमें शामिल करूंगी। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाला क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं कुछ ऐसी कुटाई करूँ लहसुन की अदरक की। तो मैंने कहा पाउडर थोड़ा सा डाल देती हूँ, टेस्ट ही देना ना। चिकन पाउडर थोड़ा डाला है यहाँ पर, उसके बाद फिर मैंने नमक भी शामिल कर दिया था, काली मिर्च डाली है, काली मिर्च जो है ना वो खत्म हो चुकी थी इस वक्त जो है ना वो खत्म ही हो चुकी थी। फिर मैंने ना शाम के टाइम भाई आए ना तो फिर मैंने उनसे मंगवा के तो बाकी इसका टेस्ट पूरा कंप्लीट किया। आप थोड़ी ज्यादा डालिएगा फिर ज्यादा जो है ना मजे की। अच्छा, जब मैंने जब आप की तरफ गई थी ना उन्होंने सूप बनाया था ना, तो उन्होंने लास्ट में जब सूप तैयार हो चुका था ना तब हमारे आगे जब वो काली मिर्च वगैरह भी रखी ना, सारे जो चीजें होती है जैसे चिली सॉस वगैरह भी आप बाद में भी डाल सकती है, तो उन्होंने काली मिर्च भी रखी थी। मैंने जब उसको बाद में डाला ना सूप के अंदर मुझे बड़ी मजे का सूप लगा, तो मैंने कहा चले मैं भी इसी तरह जो है ना आज करती हूँ। सूप को ना बाद में जब तैयार हो जाएगा ना तब मैं एंड पे जब मैं अपने लिए डालने लगूंगी ना फिर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, जिसके बगैर सूप बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता, इन तीनों चीजों को डाल रही थी। और कुछ लोग बहुत ज्यादा इनको ना ऐड करते हैं, लेकिन इसको बाद में भी डाला जा सकता है, मसलन चिली सॉस वगैरह आप ना बाद में भी डाल सकती है। सिरके का होता है कि वो बाद में नहीं अच्छा लगता, पहले ही उसको ना डाला जाए ताकि वो जब सूप तैयार हो रहा था ना पक रहा होता है ना तो फिर सिरका भी जो है ना उसका भी जो है अच्छी तरह से वो भी पक जाता है, बीच में कच्चापन नहीं रहता। तो कभी कभी जो है ना
ये चीज बना लेनी चाहिए सूप से ना, गला वगैरह खराब हो या फिर फ्लू वगैरह हुआ हो ना तो फिर काफी बेहतरी आ जाती है। और मेरा फेवरेट है सर्दियों में, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं मैं बनाती, और बहुत से कम लोग हैं जो बनाते होंगे गर्मियों में भी, जो जिनका फेवरेट होगा ना वही बनाते होंगे। तो यहाँ पर मैंने देखे चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल दिए थे, और इसके बाद फिर यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालने लगी थी। अच्छा मैं ना स्टार्टिंग पे ही कॉर्नफ्लोर बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करती, क्योंकि फिर वेस्ट जाता है अगर गाढ़ा हो जाए ना, और मैं अंदाजे से ही ना ज्यादातर चीजें जो है ना वो शामिल करती हूँ, ज्यादा चीज डाल दे तो फिर ना बाद में कॉर्नफ्लोर को फिर किस तरह से हम पतला करें, मसलन इसको किस तरह से सूप को फिर पतला किया जाए, पानी डालने से तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उसका। तो मैं फिर जो है ना अंदाजे से ही थोड़ा थोड़ा करके ना फिर शामिल करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी इस तरह की आदत है। खैर अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक ही अंडा मैंने लिया है, उसको मैंने फेंट के ना अच्छी तरह से इसमें डाल दिया था, कोई इसमें नमक नहीं डाला था, कोई काली मिर्ची नहीं डाली थी, सिंपल सा अंडा इसमें शामिल किया। उसके बाद जैसे ही सूप थोड़ा सा ना गाढ़ा होने लगा, मसलन फौरन ही मैंने अंडे को हिलाया नहीं है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में जो सूप तैयार होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही मैं कोशिश कर रही थी कि बनाऊं, कि बहुत टेस्टी बना था। बाद में इसका सारा टेस्ट जो है ना कंप्लीट हो गया था जब मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर थोड़ा बाद में डाला था ना, बहुत मजे का हो गया था। अरिशे और रमीजा को तो मैंने डालकर दे दिया था, सालेह जो है उसको मैंने ना बिल्कुल इससे दूर किया, मांग रही थी उस टाइम मेरे से। खैर बच्चों ने सूप वगैरह पिया तो मैं अब कह रही थी कि जल्दी से इनके लिए पराठा बना के रख लूं, ताकि लाइट चलेगी और बाद में फिर गैस भी चलेगी तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होनी थी, बच्चे फिर भूखे इस तरह सो जाएंगे, दूध वगैरह पी के तो नहीं फिर गुजारा होता ना। तो यहाँ पर मैंने कहा चले पराठा बना लेती हूँ, कल रात वाला जो सालन पड़ा हुआ था आलू गोश्त का वही मैंने कहा चले इनको ना ओवन में गर्म करके देती हूँ, साथ में पराठा बना देती हूँ तो ये खा लेंगी। मुझे बाहर आके ना जो मेरी सेकंड वाली बेटी है ना रमीजा, वो मुझे कह रही थी मामा आज भी इसमें ना नमक और मिर्चें लगा दो। मैंने कहा क्या रोज रोज आप लोग इतनी वो स्पाइसी, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ना ठीक नहीं होता है सेहत के लिए। तो मैं कह रही थी कि नहीं मैं आपको ना आज सालन बना हुआ है तो उसके साथ पराठा जो है ना ये वाला बना के देती हूँ। अच्छा मैंने इसके ऊपर ना देसी घी लगाया है, देसी घी को आप फ्रिज में रख लो या बाहर रख लो, इस मौसम में एक जैसा ही आला देखे देसी घी जो है ना बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ था और बिल्कुल बर्फ की तरह जैसे हार्ड हार्ड हुआ होता है ना बाहर भी अगर रखा हो तो बिल्कुल वैसा था, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा आज मुझे इनकी टीचर भी बता रही थी कि बच्चों का ना 10 तारीख तक मसलन छुट्टियां हो गई हैं, मुझे कोई अपडेट तो नहीं मिली ना ही कोई मैसेज वगैरह आया है इनके स्कूल से, इनके पापा के मोबाइल में आया होगा तो मैं आज रात को ना लाजमी पता करूंगी। तो क्या आपके बच्चों के स्कूलों में भी इसी तरह जो है ना छुट्टियां जो आगे हो गई हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वाकई वैसे ना होना चाहिए इसी तरह ना, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है और सुबह सुबह बच्चे सर्दी में किस तरह जाए, 8 बजे का टाइम भी अगर स्कूल का होना तो जल्दी जो है ना उठा नहीं जाता और इतनी सर्दी में बच्चे भी बीमार होंगे। अच्छा किया अगर स्कूल वालों ने छुट्टियां दी है ना तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पर जो है ना देखे नीचे आपको नजर आ ही रहा होगा कि फ्लेम कितनी लो थी, तो मैं पराठा बना रही हूँ यहाँ पर, मैंने कहा जल्दी से ये तैयार हो जाए उसके बाद फिर उनको खाना वगैरह दूंगी। आज सारा दिन जो है, अच्छा कल के दिन मैंने देख ले खाना बनाया, आज के दिन मैं खाना नहीं बना पाई क्योंकि इसी वजह से गैस की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोड शेडिंग की वजह से मैं इनके आज के दिन मैं खाना नहीं बना पाई क्योंकि इनके पापा को कह रही हूँ कि मुझे जो है ना चूल्हा दूसरा लेके दे, जो इलेक्ट्रिक होता है, हालांकि उन्होंने मुझे लेके भी दिया लेकिन वो जो है ना वो खराब हो गया, तो मैं उनको कह रही थी मुझे दूसरा लेके दे, कहते उसका भी अंदर जो है ना रॉड वगैरह लगे होते हैं तो वो भी जो है ना जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो बस तो खैर यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पराठा तैयार कर रही थी, सालन भी मैंने ओवन में जो है ना गर्म कर दिया था, बच्चे अंदर कमरे में, उनको बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी, सर्दी इतनी ज्यादा थी। मैंने कहा अच्छा बड़ी मुश्किल से जो है ना आज थोड़ी देर के लिए हीटर ऑन किया है और लाइट्स भी इतनी ज्यादा जा रही थी, हर 2-2 घंटे बाद लाइट्स आ रही है, पहले 2:15 बजे गई है, 2:30 आई है, अब 6:15 गई है, फिर 7:15 बजे उसने आना था रात को, फिर जाए हो सकता है, तो लाइट्स की वजह से फिर आपको पता ही है कि चूल्हे भी बंद हो जाते हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं आती, इस वजह से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। तो मैं कह रही हूँ किसी तरह से ना सर्दी का मौसम भी जो आ रहा जल्दी से खत्म हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, अल्लाह हाफिज।